ईदगाह में औरतों को लाने की इजाजत है या नहीं। इजाजत है, किसी ने इसको गलत करार नहीं दिया है, बल्कि हुजूर के जमाने में तो इसकी तरगीब थी कि जुमे में भी और ईदैन में भी खवातीन जरूर आए, और उसकी और आम नमाजों में भी कोई पाबंदी नहीं थी, खवातीन आती थी, उनकी सब पीछे बन जाती थी अलहदा। लेकिन ईदैन और जुमे की खास बात यह थी कि इनमें चूंकि खुतबा होता है, और खुतबा तालीम के लिए, तलकीन के लिए, ये गोया के जिसको आप कहते हैं कि तालीम बालगा का एक निज़ाम। बाकी उस जमाने में न किताबें थी, न कैसेट थे, न ऑडियो, न वीडियो, कुछ भी नहीं था, तो गोया के एक ही जरिया था लोगों को तालीम पहुंचाने का, और ये खुतबात थे, जुमे के खुतबात, ईदैन के खुतबात, तो उसकी ताकीद थी। अब उसकी वो जरूरत नहीं है, इसलिए कि हर शायद जो है हमारे पास लिखी हुई भी है, फिर वही खुतबे जो है उनके कैसेट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यह कि फिर भी ममानियत नहीं है हरगिज। आपने फरमाया कि खवातीन के लिए खुतबा ईद और जुमा सुनना जरूरी नहीं, कि बहुत से और तरीके ईजाद हो गए हैं। ईद नमाज में शिरकत जरूरी नहीं, तो फिर इसका इतलाक तो मर्दों पर भी हो सकता है कि वो घर में नमाज पढ़ लें और खुतबा सुन लें। एतराज तो सही है, मंतकी एतबार से तो एतराज सही है, लेकिन असल में मर्दों और औरतों का जो मामला है कि अगर वो खवातीन वहाँ जाती भी हैं, अब आम नमाजों में तो हमारे यहाँ शिरकत तकरीबन ख़त्म हो गई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके ऊपर खासी सख्ती के साथ उसे बंद किया था, लेकिन ये कि खवातीन के लिए जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, कोई मना करना की बात तो नहीं है, तो मैंने पिछली मरतबा भी कहा था कि ना हराम है ना ममनू है, ईदैन में और जुमे में वो जाएँ, लेकिन ये है कि वो उतनी ज़रूरत अब नहीं रही जितनी कि उस वक्त होती थी, उस पर मैं अब भी कायम हूं, अगरचे एतराज भी वैलिड है।